जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्जाम था और जो आपका सब्जेक्ट था वो था फार्माकोलॉजी। तो देखिए, कल शाम को हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जो कि एग्जाम में जो है वो आए भी थे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या आया था, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी इन लिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। इस क्वेश्चन को जो है कल शाम की लाइव क्लास में जो है वो मैंने आपको करा रखा था, ठीक है। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में भी जो है कल की शाम की क्लास में जो है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया था, एक्सपेक्टोरेंट के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे जो क्वेश्चन है कल हमने शाम को किया था। और देखिए, ये जो आपका पूरा जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है इसके बारे में जो है हमने कोर्स में जो है कंप्लीट मैंने आपको सिलेबस कराया था, लेकिन कल शाम की जो क्लास थी वहाँ से जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन हुआ थे। जैसे कि आपका पार्ट ए से जो है पहला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को शाम को हमने किया था। क्वेश्चन नंबर टू भी जो है वो हमने शाम को किया था कि NSID क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो शाम को हमने क्लास रखा था उससे जो है वो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको जो है आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज की क्लास में जो है हम सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, एक आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका ADME होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारा शरीर है वो दवा के साथ में जो भी करता है वो आपका फार्माकोकाइनेटिक है। और इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दवा शरीर के साथ, ठीक है, दवा शरीर के साथ जो करती है यही जो है आपका फार्माकोर, ठीक है, यही जो है आपका फार्माकोडायनेमिक है, ठीक है। ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, दवा शरीर के साथ जो करती है वो आपका क्या है, फार्माकोडायनेमिक से। और इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग का जो है ये मतलब क्या है, ठीक है। इसी को जो है हम हिंदी बोलते हैं अर्ध आयु, ठीक है, हाफ लाइफ को जो हम बोलते हैं अर्ध आयु। तो देखिए, दवा की वह मात्रा, ठीक है, वह समय, हम इसको इसका डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वह समय जिसमें दवा, वह समय जिसमें दवा जो है ड्रग की सांद्रता, वह समय जिसमें दवा यानी कि ड्रग की सांद्रता शरीर में अपने शुरुआती सांद्रता का आधा हो जाता है उसे हम हाफ लाइफ ऑफ ड्रग कहते हैं या फिर ड्रग की अर्ध आयु कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए, आपने पैरासीटामोल खाया 100 mg, अब वो कितने समय के बाद आपके शरीर में 50 mg हो गया, उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, हाफ हो गया, उसी को हम बोलेंगे हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। गिव एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका हो गया एमलोडिपिन, ठीक है, एमलोडिपिन हो गया, हेलोडिपिन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको लिख सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के वेरापामिल हो गया, डिल्टियाजम हो गया, ठीक है। नेम एनी टू ड्रग बिलोंग टू एंटी एड्रीनर्जिक, देखिए एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग का जो है दो एग्जाम्पल है आपका, टेराजोसिन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था, गिव ए नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, कल शाम को मैंने आपको कराया था कि ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा के उपचार में जो है किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे मैंने बताया था लेटेनोप्रोस्ट मैंने एक आपको बताया था, एक आपका बिटॉक्सोलोल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बहुत सारी जो दवाएं उनका जो प्रयोग है वो
ठीक है, ग्लूकोमा के उपचार में किया जाता है। अगला था इनलिस्ट द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। तो देखिए एनेस्थीसिया के जो है कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो इसके जो है टोटल चार स्टेज होते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल जो है इसके क्या होते हैं, चार स्टेज होते हैं। पहला है आपका सेडेशन। पहला क्या होता है, पहला होता है सेडेशन, व्यक्ति को जो है वो नींद आने लगती है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड जो है ये आपका होता है एनल्जीसिया। एनल्जीसिया, व्यक्ति को जो है वो दर्द महसूस होना कम हो जाता है। तीसरा है इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी मतलब उसके शरीर में जो है जितना भी सिक्रीशन हो रहा होता है सबको जो है वो कम कर दिया जाता है, और अंत में उसको उल्टी ना आए इसके लिए जो है वो एंटी एमेटिक दिया जाता है। तो ये जो है चार स्टेज होते हैं हमारे, ठीक है, जनरल एनेथेटिक्स में। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग ऑल्सो एक्ट एस लोकल एनेथेटिक्स। तो देखिए लोकल एनेथेटिक्स में हमें बस केवल यहाँ पर एक ही एग्जांपल दिख रहा है, लिडोकेन। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हिमेटेनिक्स नहीं है, जो कि ब्लड को बनाने में काम नहीं आता है। तो देखिए आयरन लगता है, विटामिन B12 लगता है, फॉलिक एसिड लगता है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि जो है आपके ब्लड के बनने के लिए जरूरी नहीं होता, हिमेटेनिक ही आपका नहीं होता। ठीक है, चलिए तो और भी जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि गिव टू कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो देखिए जो आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है इसका दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देना है, मतलब किस केस में जो है जो आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए जो आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग होती हैं वो प्लेटलेट्स को आपस में जो आपके यहाँ पर प्लेटलेट्स हैं उनको आपस में चिपकने से रोकती हैं, क्लॉट बनने से रोकती हैं, और इनका जो प्रयोग है वो आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, ठीक है, ट्रीटमेंट में किया जाता है। और एंटी प्लेटलेट ड्रग का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन जो है सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पूछा गया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब जो है किस केस में आप एंटी प्लेटलेट जो आपकी ड्रग्स हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला है आपका थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा पहले से ही कम है तो उस केस में आपको एंटी प्लेटलेट जो आपकी ड्रग हैं उनका जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपका, देखिए जो आपके यहाँ पर एंटी प्लेटलेट जो आपकी ड्रग्स होती हैं, देखिए जो आपके यहाँ पर प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड के जमने में उसके कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर आप एंटी प्लेटलेट ड्रग देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, खून बहेगा। तो अगर कोई बड़ी सर्जरी हुई है, अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है 72 घंटे के अंदर, तो उस केस में भी जो है वो एंटी प्लेटलेट जो ड्रग हैं उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि आपके मेड्रियाटिक क्या होते हैं। तो देखिए ऐसी दवाएँ, ठीक है, ऐसी दवा ड्रग्स जो कि आँखों की पुतली, ठीक है, आँखों की पुतली जिसको कि हम बोलते हैं पुपिल बोलते हैं, ऐसी दवा जो कि आँखों की पुतली पुपिल्स को फैलाने का काम करती है, को फैलाती है, उसको डाइलेट करती है, उसे क्या बोलते हैं, मेड्रियाटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी दवा जो कि आँखों की पुतली को यानी कि पुपिल्स को डाइलेट करती है, ठीक है, आंखों की पुतली को फैलाती है, उससे हम मेड्रियाटिक कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका एट्रोपिन हो गया, इसको पोल एमीन हो गया। ठीक है, चलिए बल्क लैक्सेटिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि गिव एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट। देखिए म्यूकोलाइटिक एजेंट का जो है कल शाम को हमने एक्सपेक्टोरेंट में जो है वो हमने डिस्कस किया था। ये जो है म्यूकस को जो है उसको बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करते हैं। म्यूकस को जो है ये थोड़ा सा क्या करते हैं, कम विस्कस करते हैं, जिससे जो है वो आसानी से बाहर, ठीक है, निकल सके। और इनका जो प्रयोग है वो किस में होता है, खांसी में होता है। एग्जांपल इसका मैं लिख देता हूँ एम्ब्रोक्सल हो गया, एन एसिटाइल सिस्टीन हो गया, आपका यहाँ पर एसिटाइल सिस्टीन रहेगा, इसको यहाँ मिटाना पड़ेगा, एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं आपके म्यूकोलाइटिक्स हैं। बल्क लैक्सेटिव का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, बल्क लैक्सेटिव का जो प्रयोग है वो कॉन्स्टिपेशन के उपचार में होता है।
कॉन्स्टिपेशन के उपचार में जो है वो प्रयोग किया जाता है, कब्ज के उपचार में जो है वो लैक्सेटिव का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, तो इसमें एग्जांपल है आपका, यहाँ पर दिया गया है आपका टोलबुटामाइड जो होता है आपका क्या होता है सल्फोनिल यूरिया जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है आपका यहाँ पर टोलबुटामाइड हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, मतलब इनके नेम के एंड में क्या आता है, ठीक है एमाइड आता है, तो ये सभी आपके क्या है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ओरल हाइपोग्लाइसमिक ड्रग है। ठीक है अगला आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स, तो देखिए ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो आपको हिस्टामिन के साथ में देखने को मिलता है, और इसमें जो है आपका रेड स्पॉट हो गया, व्हील हो गया और फ्लेयर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। फर्श का फार्माकोलॉजी से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि गिव टू एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग, तो एंटीवायरल ड्रग का दो एग्जांपल लिख दीजिए। पहला है आपका एमेंटाडीन, एमेंटाडीन हो गया, और एग्जांपल लिख दीजिए असाइक्लोवीर, असाइक्लोवीर, ये जो है हमारा दो एग्जांपल हो गया एंटीवायरल ड्रग का। चलिए बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल यानी कि मारने का काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बैक्टेरिसाइडल बोलते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 17 की सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड पावा से मिलता जुलता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 कि ठीक है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक एग्जाम्पल दीजिए, तो कल शाम को हमने डिस्कस किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, एमिकासिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में, सॉरी यहाँ पर आपका क्या पूछा गया अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक एग्जाम्पल के बारे में हमने डिस्कस किया था, नियोमाइसिन हो गया, सभी के नाम के अंत में क्या आता है आपका CIN आता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन था कि ED50 क्या है, ठीक है ED50 क्या है, ED50 जो है उसको आपको डिफाइन करना है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है कि आपका ED50 क्या है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ED50 क्या है, तो देखिए दवा की वह मात्रा, ठीक है दवा ड्रग्स जो कि देखिए जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं उनका जो है वो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, दवा जो कि 50% आबादी, ठीक है 50% आबादी पॉपुलेशन, ठीक है 50% आबादी में अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाती है, इफेक्ट दिखाती है, उससे हम ED50 कहते हैं। देखिए अगर कोई नया अगर कोई नई दवा बन रही है और अगर यहाँ पर 100 लोगों के ऊपर जो है अगर उसका ट्रायल हुआ और उसने जो है 50 लोगों पर जो है अगर अपना अच्छा काम किया तो वो जो है आपका यहाँ पर ED50 जो है इसको कहलाएगा। तो दवा यानी कि ड्रग जो कि 50% आबादी पॉपुलेशन में अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ED50। ठीक है तो ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, चलिए तो यहाँ पे जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका गिव एग्जांपल ऑफ एंटी एरेथमिक ड्रग, तो देखिए एंटी एरेथमिक ड्रग का तो इसी क्वेश्चन पेपर में एक एग्जांपल दिया गया था लीडोकेन, लीडोकेन हो गया, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिया जाता है, तो आप लिख दीजिए वेरापामिल लिख दीजिए, ठीक है आप यहाँ पर डिल्टियाजम लिख दीजिए, डिल्टियाजम लिख दीजिए, ठीक है क्विनिडीन भी जो है वो दिया जाता है क्विनिडीन। ठीक है तो ये सारे जो क्वेश्चन है आज के एग्जाम में पूछे गए थे फार्माकोलॉजी के, तो देखिए क्वेश्चन जो है ठीक ठाक आपका जो है क्वेश्चन पेपर आया था, अगर आप पहले से तैयारी अगर अपने एग्जाम की कर रहे होंगे तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका बहुत ही अच्छा आया था। ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।